हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे वी विल रिवाइज कंप्यूटर चैप्टर 2, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. हम लोग इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज भी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसे एक और बार रिवाइज करेंगे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर. सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिफरेंट काम करने के लिए, ठीक वैसे ही कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिफरेंट काम करने के लिए. तो चलिए देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं. मॉनिटर, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. इट डिस्प्लेस व्हाट अ कंप्यूटर डज. मॉनिटर टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है. हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं वो मॉनिटर हमें शो करता है. इस पे हम मूवीज और कार्टून्स भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सीपीयू. सो लेट अस सी व्हाट इज अ सीपीयू. CPU, Central Processing Unit. It is the brain of a computer. CPU का full form होता है Central Processing Unit. इसे the brain of a computer भी कहा जाता है. ये computer को guide और help करता है different functions को जल्दी perform करने में. Next is keyboard. Keyboard. It is made up of many small buttons called keys. Keyboard में ढेर सारे small buttons होते हैं जिसे हम keys भी कहते हैं. इन buttons पे number, alphabet, signs और symbol लिखा होता है जिसकी मदद से हम कुछ भी type कर सकते हैं. Next is mouse. It has two or three buttons. It helps to point and select items on the monitor. It helps to draw pictures and play games. Mouse एक real mouse की तरह ही दिखता है. इसमें two या three buttons होते हैं. इसकी help से हम कोई भी चीज़ monitor पे select कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और गेम्स प्ले कर सकते हैं. ये एरो जो हमें मॉनिटर पे दिख रहा है उसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं. ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में माउस को मूव किया जाता है. नेक्स्ट इज स्पीकर. इट इज यूज्ड टू लिसन सॉन्ग्स, वॉइस, स्पीच एंड साउंड्स इन अ कंप्यूटर. स्पीकर की हेल्प से हम कोई भी रिकॉर्डेड सॉन्ग, वॉइस, ये सब कंप्यूटर पे सुन सकते हैं. नाउ लेट अस डू एमसीक्यूज. फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस व्हाट एवर द कंप्यूटर डज. इनमें से कौन सी चीज हमें ये दिखाती है कि कंप्यूटर पे क्या हो रहा है? ऑप्शन ए माउस, नो. ऑप्शन बी मॉनिटर, यस. सो वी विल पुट अ टिक हियर. सेकेंड, विच कंप्यूटर डिवाइस इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज. कौन सी डिवाइस स्मॉल बटन से बनी होती है? ऑप्शन ए माउस, नो. ऑप्शन बी प्रिंटर, नो. ऑप्शन सी मॉनिटर, नो. ऑप्शन डी कीबोर्ड, यस. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
computer device is called brain of computer. Means कौन सा डिवाइस है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? ऑप्शन ए सीपीयू. यस. नाउ लेट अस डू ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स ऑन इट. कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं. दिस इज ट्रू. So we will write T here. Second, the mouse is called the brain of the computer. Mouse को brain of the computer कहते हैं. This is false. Brain of the computer किसे कहते हैं? CPU को. Third, स्पीकर्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. स्पीकर्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. दिस इज फॉल्स. स्पीकर्स किस लिए यूज होते हैं? साउंड सुनने के लिए. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, सीपीयू इज कॉल्ड द डैश ऑफ द कंप्यूटर. CPU को हम और क्या कहते हैं? Yes, brain of the computer. Second, dash contains different keys. Dash में different keys होती हैं. तो किसमें होती हैं? Keyboard में. Yes. Third, dash are used to listen to the sound on a computer. Dash computer पे sound सुनने के लिए होता है. हम लोग sound कैसे सुनते हैं? Yes, speakers की help से. Fourth, the arrow that you see on the monitor is called dash. जो arrow हम monitor पे देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Yes, pointer. I hope you have understood the concept very well. That's all for today. Thank you.